हेलो, इस वीडियो में हम कंप्यूटर माउस के बारे में बात करेंगे। यह एक माउस है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस में से एक है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है और मॉनिटर पर कर्सर या माउस पॉइंटर को कंट्रोल करता है। मॉनिटर पर जो छोटा सा एरो या तिरछा सा तीर होता है उसे कर्सर कहा जाता है। इससे हम चित्र बना सकते हैं या मॉनिटर पर कोई भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे माउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक तार होती है जो माउस की पूंछ की तरह दिखती है और मॉनिटर पर माउस पॉइंटर एक माउस की भांति कहीं भी घूम सकता है। शुरुआत में जो माउस बनाए गए थे वो मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए माउस के नीचे एक रोलिंग बॉल का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल माउस में अक्सर ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं। एक माउस में आमतौर पर दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट बटन का उपयोग मॉनिटर पर किसी आइटम को सिलेक्ट या क्लिक करने के लिए किया जाता है। राइट बटन मॉनिटर पर कुछ क्विक टास्क करने में मदद करता है। बीच में एक स्क्रॉल व्हील होती है जिसका उपयोग मॉनिटर पर कर्सर को ऊपर या नीचे जाने के लिए किया जाता है। अगर हम पूरे माउस को अपने हाथ से मूव करते हैं तो हम कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। माउस पॉइंटर उसी दिशा में चलता है जहां माउस चलता है। माउस में एक तार होता है जो कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़ा होता है। हालांकि कुछ माउस आजकल वायरलेस भी आते हैं। माउस का उपयोग करने के लिए आप हमेशा उसको एक फ्लैट जगह या माउस पैड पर रखते हैं। माउस पैड माउस को धूल मिट्टी से दूर रखता है। इसका उपयोग करने के लिए आप इसे राइट या दाहिने हाथ से पकड़ते हैं और अपनी हथेली को माउस के ऊपर रखते हैं। माउस के लेफ्ट बटन पर आपके राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए। आप माउस के राइट बटन को अपनी मिडिल फिंगर से कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तो इसे क्लिक कहा जाता है। जब आप माउस बटन को दो बार जल्दी जल्दी से दबाते हैं और छोड़ते हैं तो इसे डबल क्लिक कहा जाता है। आप माउस को ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिसमें आप लेफ्ट बटन को दबाते हुए और बगैर छोड़े माउस चलाते हैं। जब आप माउस को हाथ से घुमाते हैं आगे पीछे या लेफ्ट और राइट, वह इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर को भेजता है माउस पॉइंटर को मॉनिटर पर कंट्रोल करने के लिए। माउस को चलाते हुए यदि आप माउस पैड के बाहर निकलने लगते हैं तो आप माउस को उठाकर कहीं भी और रख सकते हैं और अपना काम चालू रख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।